हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। पबजी की 0.18 अपडेट के बाद रियलमी 6 के 4GB वाले वेरिएंट में भी अब आपको HDR अल्ट्रा और स्मूथ एक्सट्रीम का ग्राफिक्स ऑप्शन मिलने लगा है, जो पहले 6GB वाले वेरिएंट में मिल रहा था। इसके साथ साथ आज हम आपको यहां पे रियलमी 6 का कंप्लीट टेस्ट यानी कंप्लीट पबजी टेस्ट परफॉर्म करके दिखा रहे हैं कि ये कितना हीट हो रहा है, कैसा गेम प्ले दे रहा है, कितना बैटरी बैकअप दे रहा है। क्योंकि पहले हमें इसमें कुछ हीटिंग इशू देखने को मिला था। नॉर्मल मोड में ये 50 डिग्री के आसपास चला जाता था, हमने प्रीवियस टेस्ट भी परफॉर्म किए थे। लेकिन क्या इस अपडेट के बाद, जैसे पबजी क्लेम कर रहा है कि लैगिंग फ्रेमिंग कम होगी, डिवाइस में हीटिंग इशू कम हो जाएगा, तो क्या रियलमी 6 अब पूरे कॉम्बिनेशन के साथ यानी पबजी की न्यू अपडेट के साथ, न्यू ग्राफिक सेटिंग्स के साथ ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? तो चलिए पता लगाते हैं। इसके लिए अगर हम यहाँ टेस्ट के बेसिक्स की बात करें, तो सबसे पहले हमने मोबाइल को कंप्लीट चार्ज किया, इसमें 4G वोल्टी सिम लगाई जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं जैसा कि आप गेम प्ले करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल फुल कर दी थी, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दी थी, और डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट हमने रखा है वो 60Hz रखा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे इनिशियल स्टेज का टेम्परेचर आपको मेजर करके दिखा दें, तो इनिशियल स्टेज का जो टेम्परेचर हमें मिला वो 33 डिग्री के अप्रोक्स का था, यानी कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर अभी के वेदर कंडीशन के हिसाब से हमें मिल रहा था। यानी 33 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हमें मिलता हुआ नजर आया मोबाइल का। और हमने यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर दिया। हमने ये टेस्ट दो ग्राफिक सेटिंग्स में करा है। पहले हमने HD अल्ट्रा पे किया थोड़ी देर, उसके बाद पूरा बैटरी ड्रेन हमने HDR अल्ट्रा पे किया है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे थोड़ी देर HD अल्ट्रा पे टेस्ट स्टार्ट किया और गेम प्ले किया, तो HD अल्ट्रा पे हमें इतना लैगिंग फ्रेमिंग देखने को नहीं मिला। हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप हो रहा था, मोबाइल थोड़ा हीट होने लगा था और हम कंटिन्यूसली गेमिंग करते जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं HD अल्ट्रा में यानी HD अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग्स में हमें थोड़ी बहुत लैगिंग फ्रेमिंग देखने को मिल रही थी। कंटिन्यूसली हमने गेम प्ले किया, हमें थोड़ी बहुत लैगिंग फ्रेमिंग देखने को मिल रही थी। फिर हमने ग्राफिक सेटिंग्स को HDR अल्ट्रा कर दिया। स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्मूथ गेम प्ले मिल रहा था, लेकिन फ्रेम ड्रॉप हो रहा था, यानी कि जैसा मज़ा आना चाहिए वैसा मज़ा नहीं आ रहा था रियलमी 6 में HDR अल्ट्रा में, क्योंकि मोबाइल हीट बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो गया था। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमने कंटिन्यूसली गेम प्ले किया है, तो गेम प्ले तो स्मूथ है, लेकिन थोड़ी बहुत लैगिंग फ्रेमिंग हमें देखने को मिल रही थी। इसके साथ साथ जब प्लेयर्स आजू बाजू रहते हैं इस कंडीशन में, पबजी ने तो बोला कि अली बग फिक्स कर दिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और रियलमी 6 में भी हमें काफ़ी ज़्यादा लैगिंग फ्रेमिंग इन कंडीशंस में देखने को मिल रही है। जैसे ही प्लेयर्स आजू बाजू आते हैं तो फ्रेम इतना ज़्यादा अटकने लग रहा था HDR अल्ट्रा मोड में, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और देखने को मिली, जब हम रियलमी 6 में उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले कर रहे थे तो लैगिंग फ्रेमिंग ज़्यादा होने लग रही थी, और जब हम नॉर्मल गेम प्ले कर रहे थे तो लैगिंग फ्रेमिंग हो रही थी लेकिन कम हो रही थी। यानी कि फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, कंटिन्यूसली हो रहे हैं रियलमी 6 में, लेकिन गेम प्ले अच्छा दे रहा है। लेकिन तो भी HDR अल्ट्रा में हमें गेम प्ले मिल रहा है। स्मूथ एक्सट्रीम में भी हमने गेम प्ले किया है अलग से, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा लैगिंग फ्रेमिंग तो देखने को नहीं मिली। लैगिंग फ्रेमिंग ज़्यादातर जब आप ज़्यादा देर गेम प्ले कर लेते हैं, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा गेम प्ले कर लेते हैं, तो आपको लैगिंग फ्रेमिंग रियलमी 6 में देखने को मिल जाएगी, और अगर आप हाई ग्राफिक सेटिंग्स में करते तो डेफिनेटली। और अगर हम यहाँ पे आपको इसका मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करके दिखा दें, तो आप देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है वो 55 डिग्री के आसपास जा चुका है। जी हाँ, और ये टेम्परेचर हमने मेजर किया था गेमिंग के ड्यूरेशन में, तो 58 डिग्री तक चला गया था, यानी कि 55 डिग्री का टेम्परेचर जा रहा है पूरी बॉडी में, जो कि बहुत मेजर है। अगर हम यहाँ इस कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री का टेम्परेचर इनफ है, लेकिन अभी फिलहाल 10 डिग्री प्लस का टेम्परेचर जा रहा है रियलमी 6 में ज़्यादा। तो मीडिया टेक का जो प्रोसेसर है G90T डेफिनेटली थोड़ा हीट होता है, और मीडिया टेक के प्रोसेसर में ये प्रॉब्लम शुरू से हमें देखने को मिली है। आपको रियलमी 6 में स्टार्टिंग में तो देखने को नहीं मिलेगा, नहीं थोड़ी देर गेम प्ले में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा देर कर रहे हैं तो हमें मोबाइल गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ासतौर से स्क्रीन ज़्यादा गर्म हो रही है बैक बॉडी के मुकाबले। तो यहाँ पर हमें हीटिंग देखने को मिली है रियलमी 6 में। क्या आपको भी कुछ इस तरह की हीटिंग इशू देखने को मिल रही है रियलमी 6 में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ बैटरी बैकअप की बात करें, तो डेफिनेटली अगर कोई मोबाइल हीट होता है तो उसका बैटरी बैकअप कम होगा। पहले रियलमी 6 का बैटरी बैकअप हमें 4:30 से 5 के बीच में मिल जाता था पबजी के नॉर्मल टेस्ट में, लेकिन अभी जो हमने न्यू ग्राफिक सेटिंग्स अप्लाई करी है, पबजी की न्यू अपडेट आई है, उसके बाद 3:48 से 3:49 का मैक्सिमम बैटरी बैकअप मिला है हमें।
और यहाँ पे जो इसकी बॉडी में टेम्परेचर गया है वो 52 डिग्री के आसपास, यानी 50 से 52 डिग्री के आसपास वेरी कर रहा था बंद होने के बाद भी, यानी कि पूरा मोबाइल 50 डिग्री प्लस पे ही ऑपरेट हुआ है थोड़ी देर के बाद। लगभग एक घंटे तक या आधे घंटे तक हम बोल सकते गेम प्ले स्मूथ भी था और मोबाइल में इतना टेम्परेचर नहीं गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर जा चुका था और कंटिन्यूसली उसी रेंज में टेम्परेचर चल रहा था। रियलमी 6 या फिर रियलमी के डिवाइसों में 60 डिग्री के बाद वार्निंग साइन आती है, यानी 60 डिग्री क्रॉस करने के बाद इसमें वार्निंग साइन आना स्टार्ट होता है। हालांकि अगर आप इस कंडीशन में, जैसे मोबाइल का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री के आसपास है और चार्ज में लगाएंगे तो डेफिनेटली मोबाइल चार्ज नहीं होगा, उसमें वार्निंग साइन आ जाएगा, लेकिन गेम प्ले के ड्यूरेशन में वार्निंग साइन या मोबाइल यूज़ करते हुए वार्निंग साइन 60 डिग्री के बाद आता है रियलमी के डिवाइस में, जबकि अगर रेडमी के डिवाइस की बात करें तो इसमें 50 डिग्री के बाद आ जाता है, 55 डिग्री के बाद आ जाता है, सैमसंग में 55 डिग्री 50 डिग्री के बाद आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे कुछ इसी तरह का रिजल्ट था। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।